पता है सारा है मुझे तुम पर बालवीर, पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच में एक बहुत बड़ा दायरा है। दायरे के उस पार तुम खड़े हो बालवीर, और इस पार मैं। इसे दायरे के बारे में कैसे पता चला? बालपरी, मुझे पता है काल लोक वालों को अपने लोक पर आने से कैसे रोकना है। ये सब क्या है मस्ती परी? बालपरी, देखने में तो ये स्वागत का इंतजाम लगता है, पर असल में चमकीले विस्फोटक गोले हैं। इस पर जैसे ही काल लोक वाले अपने पैर रखेंगे ये फट पड़ेंगे और सीधा जाकर गिरेंगे पृथ्वी पर। वहाँ उनकी शक्तियाँ तो काम नहीं करेंगी, पर हमारी करेंगी। किसके स्वागत की तैयारी चल रही है? मुझे काम दे दो, मेरे अंदर में काम करने की बहुत इच्छा जाग रही है, समझे कि नहीं समझे? तुम्हारे लिए भी एक काम है और वो काम बहुत जरूरी है। वो काम ये है, ये लो, डुबा डुबा, ये चमकीले विस्फोटक गोले हैं। इसे ध्यान से शस्त्रागार में रख दो और ध्यान रहे, हाँ? इस पर तुम्हारे पांव बिल्कुल नहीं पड़ने चाहिए, वरना ये फट पड़ेंगे और तुम सीधा जाकर गिरोगे पृथ्वी लोक पर। मैं डूबा डूबा हूँ लेकिन मुझे तैरना आता है, समझे कि नहीं समझे? मुझे मस्ती परी और डूबा डूबा को परियों के बारे में नहीं बताना चाहिए, ये लोग चिंता करेंगे। मस्ती परी, अपने ये चमकीले विस्फोटक गोले वीरलोक की चारों तरफ फैला दो। है तो वीरलोक सबसे सुरक्षित, मगर जब तक शौर्य वापस नहीं आ जाते हमें और भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। तुम्हारे और मेरे बीच में जो दायरा है ना बालवीर, ये दायरा है औकात का। ये दायरा है तुम्हारी और मेरी शक्ति का, दायरा है तुम्हारे और मेरे विचारों का, जिसमें बहुत बड़ा फासला है। ओह, तो ये इस दायरे की बात कर रही थी। और आज मैं इस फासले के साथ साथ तुम्हें भी खत्म कर दूंगी और फिर इस दुनिया पर मैं राज करूंगी, ये दुनिया मेरी होगी। यही तो मैं चाहता हूँ कि ये फासला खत्म हो। बालवीर, तिमनासा को इस दायरे में लाओ, किसी भी समय दायरा खत्म हो सकता है। अपने इस ढीठपन से तुम अपनी और अपनी परियों की कुछ पल के लिए जान तो बचा सकते हो बालवीर, लेकिन मौत तो तय है। मौत तो तय है लेकिन मेरी नहीं, तुम्हारे तिमनासा। एक बार इस दायरे में आ जाओ। बस एक कदम और तिमनासा, एक कदम। बालवीर के चेहरे पर इतना आत्मविश्वास क्यों है? कुछ तो है।
चाल चली तूने मेरे साथ। तुझे क्या लगा तिमनासा को मारना इतना आसान है? अब या तो तिमनासा को मार या बचा ले अपनी परियों को। परियों का बचाओ बालवीर। बालवीर, 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 बालवीर। हमें तिमनासा की शक्ति को कम आंकने की गलती नहीं करनी चाहिए। आज उसने जो किया वो दोबारा। बालवीर, शौर्य, परिया, सब ठीक तो है ना? बालवीर, नेत्र परी और सरल परी कहाँ है? शौर्य, कहाँ है दोनों परी? कहीं कहीं तिमनासा ने उनको। कुछ नहीं होगा उन्हें, मुझे उनकी ऊर्जा तलाशने दो। मम्मी, मम्मी मुड़ो नहीं देखो, मैं आपके लिए अदरक इलायची वाली चाय बना के लेके आया हूँ अपने हाथों से। नहीं पीनी तेरे हाथ की चाय, इतना तंग करता है, पर सॉरी बोलना नहीं आता तुझे। माँ, मैं सॉरी हूँ, बस बोल नहीं सकता। सलमान भाई कहते हैं कि फ्रेंडशिप में ना थैंक यू होता है ना सॉरी, और आप तो मेरी फ्रेंड ही हो ना। अब बोलो नहीं, सुनो, मैं फ्रेंड थी पर अब नहीं हूँ। तंग आ गई हूँ तेरे रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से। मैं मम्मी, मैं तो बस मोहल्ले वालों को उस बदमाश गंडे से बचाने के लिए लड़ रहा था। क्यों क्यों बचाना है तुझे सबको? बालवीर है तू। मम्मी, आप मुझे नालायक बोलो, गधा बोलो, जो बोलना है बोलो, बस बालवीर मत बोलो, क्योंकि जो चीज है ही नहीं वो मैं कैसे हो सकता हूँ? वैसे हूँ तो मैं गधा भी नहीं। है तू गधा, क्योंकि बालवीर सही में होता है। आज उसी ने बचाया है तेरी मम्मी को एक एक्सीडेंट से। क्या एक्सीडेंट? मम्मी आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बालवीर की वजह से। मैम आप बहुत लकी हो, आपको बालवीर ने बचाया। मैं देख नहीं पाई उसे, पर वहाँ के लोगों ने बताया कि मुझे खुद बालवीर ने बचाया था। लोग तो कहेंगे कि आपको सुपरमैन ने बचाया, तो आप मान लोगे क्या? बस अब बोलो नहीं, सुनो, अगर मुझसे बात करनी है तो तुझे बालवीर को और उसकी सीख को मानना ही पड़ेगा, वरना मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। मम्मी, मैं आपको मनाने के लिए सब कुछ मानने को तैयार हूँ, बस आपके लिए, कुछ बालवीर के लिए। मम्मा, अब से पक्का कोई गड़बड़ नहीं होगी। अरे कहाँ गया, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गड़बड़। कहाँ गया ये? क्या हो गया मुझसे? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई ये? क्या हो गया मुझसे ये? क्या? अरे 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 लड्डू, जेब से निकल के अपने आप नहीं उड़ा करते, समझे कि नहीं समझे? अरे लड्डू, ए लड्डू, ए ए लड्डू, ए लड्डू, लड्डू। किकी, तुम? डुबा डुबा, ये मेरे लड्डू थे, तुमने क्यों लिए? वो तो मैं तुम्हारी सूंघने की शक्ति जांच रहा था,
तुम जैसा सूंघ सकती हो दुनिया में कोई नहीं सूंघ सकता। जंगल में राई का दाना ढूंढ लेती हो तुम। हाँ वो तो है, मेरी जैसी कोई दूसरी नहीं। ये मेरी नाक नहीं, लंबी वाली तो आँख है, कुछ नहीं छुपता मुझसे। अच्छा किकी, मेरा एक काम कर दोगी? वो क्या है ना, मस्ती परी ने मुझे टोकरी रखने के लिए दी थी, वो मैं कहाँ रखा हूँ भूल गया हूँ। क्या तुम मेरे लिए ढूंढ दोगी? ठीक है, मैं तुम्हारी टोकरी ढूंढती हूँ। अरे अरे किकी मिला? किकी जरा वहां ढूंढना, आराम से। किकी झरना सभा कक्ष तो हमने ढूंढ लिया, अब बस ये बगीचा ही बच गया, यहाँ तुम्हें वो टोकरी जरूर मिल जाएगी। किकी तो धरती लोक में पहुंच गई होगी, वहां की हवा तो किकी के लिए जहर है। किकी के प्राणों को तो खतरा है। अरे किकी, ये कहां आ गई मैं? यहां से वीर-लोक का रास्ता कहां से है? आज के बाद हम कसम खाते हैं, कि कोई तोड़फोड़ नहीं मचाएंगे, हम तो वैसे भी नहीं बचाते, तू अपनी देख। मैंने अपनी मम्मी से प्रॉमिस किया है कि आज के बाद नो तोड़फोड़, हर क्रिकेट खेलूंगा तो भी बिना कांच तोड़े। यकीन नहीं हो रहा ना, चल बॉल डाल। अरे किसी को पता नहीं चले, भागो। क्या हुआ शौर्य, कहाँ है वो दोनों? उनका कुछ पता नहीं चला। इसका मतलब हार पे हार, और कितना हारेंगे हम तिमनासा से, और कितनी परियां खोएंगे। आज मैं खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा हूं, ना ही जाके मैं उस तिमनासा को मार सकता हूं, और ना ही मुझे मेरा उत्तराधिकारी मिल रहा है। खुशबू भी नहीं आ रही। ये तो बाल
मुझे वापस कर ले चलो। मिल गया। मैं हवा में कैसे उठ गया? ये बालवीर नहीं, कोई बच्चा है। बालवीर तो मिला नहीं, भागो यहाँ से। मैं अब उड़ने भी लग गया। अरे किकी, किकी कहाँ गई? अरे कहाँ गिर गई बेचारी किकी? किकी किकी आए हाथ में। ये तो चलते ही रहते धरती लोक पर, मैं तो भूल ही गया था। लगता है प्रदूषण की वजह से सूंघने की शक्ति भी कमजोर हो गई मेरी। सूंघने चली थी बालवीर, कोई बच्चा सूंघ बैठी। मिल गई किकी, किकी किकी कहाँ थी तुम? डूबा डूबा मुझे यहाँ से ले चलो। अच्छी किकी, किकी तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। हाँ और अभी पता है क्या हुआ? मैंने ना अच्छी पहले वीर-लोक चलो, वहीं बात करते। तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, समझे कि नहीं समझे? अपने लोग की खुशबू ही अलग होती है। समझे कि नहीं समझे? मैं तो समझ गई, मेरी नाक को सब ठीक समझ आने लग जाए बस। अच्छी बालवीर, अभी पता है नीचे क्या हुआ? मैं पृथ्वी पे गई थी, वहाँ मैंने सूंघा, मुझे तुम्हारी सुगंध आई। ये तो बालवीर की खुशबू है। पता चला वो तुम नहीं, कोई और लड़का था। लड़का? हाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। ये सूंघा किसी और को और पकड़ में आया कोई और। ये तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा बालवीर। तुमने उसे कहाँ देखा था किकी? पता नहीं, मैं तो घबरा गई थी, सोच रही थी कि कहीं ये नर्क तो नहीं। फिर डूबा डूबा ने बताया कि पृथ्वी है। हाँ हाँ, मुझे बताइए ये मुझे कहाँ मिली थी? मैंने एक बड़े से द्वार पर लिखा हुआ देखा था। भारत नगर। इसका मतलब मेरा उत्तराधिकारी भारत नगर में। इस भारत नगर में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। भारत नगर?